पर अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिले उनसे हमने सबने बहुत कुछ सीखा देश में, और उससे ये भी समझ में आया कि ओमिक्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है। तो इससे नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा, ये वही ट्रेंड शो कर रहा है जैसा ओमिक्रॉन ने देश दुनिया के और देशों में शो किया है। आज टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब करीब पिछले 8-10 दिन में जो केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस टोटल इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं। अब उन 11,000 में से हॉस्पिटल में देखें तो करीब 350 केसेस हैं, उनमें से भी ऑक्सीजन पे देखें तो केवल 124 केस हैं। अब वो 350 में एयरपोर्ट से आए हुए लोग भी हैं, उसमें किसी और वजह से हॉस्पिटल में गए हुए लोग भी हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो लोगों को जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है, इसलिए इससे बच के रहना भी ज़रूरी है। और बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफ्टी रखें, हमेशा मास्क लगाएं बाहर निकलें तो, और जब भी भीड़ भाड़ में रहें तो मास्क लगा के रहें। होम आइसोलेशन इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है और कोई सिम्टम नहीं है तो सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि होम आइसोलेशन ही रहना चाहिए। हॉस्पिटल केवल तभी जाएं जब आपकी ऑक्सीजन लेवल लगातार डिप हो रही हो या आपको कोई परेशानी हो, तो आज भी एक्सपर्ट्स ने यही बात दोहराई। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले, इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज DDMA की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे, प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, मास्क को एक हथियार बनाए, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें
तो अगर मेट्रो या ट्रेन से जा बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे, लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू रात में और दिन में उसको थोड़ा सा नहीं, रात में तो लगातार चल रहा है, ये दिन में भी रहेगा। एसेंशियल सर्विसेज पहले से पिछले दो साल से लगभग चल रहा है, तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलिस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं एसेंशियल सर्विस में, इमरजेंसी सर्विसेज में फूड आइटम्स, सब्जी और ये सब को नहीं रोका जाएगा। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब दिल्ली में आने वाले शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को दफ्तरों तक जाने की इजाजत होगी। वीकेंड पर दिल्ली के लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी दफ्तर में 50% स्टाफ ही काम करेगा। और एक और बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई कि बसेस जो हैं और मेट्रो अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, बस मास्क हर एक के लिए जरूरी होगा।